देखने गए प्रेमी जोड़े के साथ अज्ञात लोगों ने की बदसलूकी। ब्लेड से उंगली कटवाकर लड़की की भरवाई मांग। मुंगेर के हवेली खड़गपुर झील की है घटना। दरअसल पूरा मामला मुंगेर के हवेली खड़गपुर स्थित झील पर एक प्रेमी जोड़े के साथ बदसलूकी के वीडियो का है, जो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो 21 अगस्त का है, जब एक लड़का और लड़की हवेली खड़गपुर स्थित झील घूमने गए थे, जहां झील पर पहले से मौजूद 6 की संख्या में अज्ञात युवकों ने लड़के और लड़की को पकड़ लिया और जबरदस्ती लड़के को ब्लेड से उंगली कटवाकर लड़की की मांग भरवा दी। बोल भाई बाबू, बोलो नाम क्या है रे तुम्हारा? नाम क्या है? घर कहाँ है? पिता का नाम? तू बताओ। पिता का नाम? राजेंद्र। क्या करने आई थी? स्कूल आई थी? ये स्कूल है? झाड़ी में स्कूल? तुम दोनों झाड़ी में क्या कर रहा था? काटो। एक बार में काट दे। ये काट दे बड़े रे। ताली बजा रे। अरे भैया ताली बजाइए। 5 बार? 2-3-4 बार हुआ। चल जाओ और ऊपर तक दाएं दोस्त, ऊपर तक दाएं। जो दोस्त ज्ञात जानकारी के अनुसार 2 महीने से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। वीडियो में दिख रहे लड़के का नाम मिथिलेश कुमार है, जो बरियारपुर थाना क्षेत्र के बहादुरपुर निवासी महेश प्रसाद गुप्ता का पुत्र है, जबकि लड़की शामपुर थाना क्षेत्र के बनारसी वासा गाँव की रहने वाली है। लड़की हवेली खड़गपुर में रहकर पढ़ाई करती है। वहीं इस मामले में मिथिलेश के चाचा किशोर कुमार गुप्ता ने बताया कि मेरा भतीजा 21 अगस्त को झील पर गया था। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद हम लोगों को जानकारी मिली, पुलिस भी आई थी और हम लोगों से जानकारी लेकर गई है। मेरा भतीजा मिथिलेश एक स्वजातीय लड़की जो बनारसी बासा की रहने वाली है, उसके साथ झील घूमने गए थे, जहाँ इस तरह की घटना हुई, जिसके बाद हम लोगों ने लड़की वालों से संपर्क कर बुलाया है और शादी की इच्छा जाहिर की है। वहीं लड़की पक्ष के लोगों ने भी इसमें अपनी सहमति जताई है। शुभ घड़ी देखकर लड़की वाले जैसे और जब चाहे दोनों की शादी करा दी जाएगी। लेकिन इस तरह से झील पर हजारों लोग घूमने जाते हैं, अगर इस तरह की घटना घटी है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये लड़की बनारसी भाषा की है, स्वजातीय बंधु है और प्रेम प्रसंग का मामला है। लड़का की झील घूमने गया था, झील घूमने के दरमियान ऐसी घटना घटी है और जबरदस्ती जो है उनका उंगली काट कर मांग में सिंदूर दिलवाया गया। लेकिन अब घर में हम बोल दिए कि आपसी सहमति के साथ दोनों ही परिवार में संबंध बना लिया जाए और लड़का लड़की को मिला दिया जाए, लड़का लड़की शादी का संपन्न करा दी जाए। हम लोग तैयार हैं, लड़की वाले भी तैयार हैं, लड़का वाले भी तैयार हैं, मिल जाएंगे, दोनों का शादी ब्याह करवा देंगे। रही घटना के बारे में हम यही बोलना चाहेंगे, दोबारा ऐसी अप्रिय घटना ना घटे। खड़गपुर झील एक प्राकृतिक धरोहर है, लोग वहाँ घूमने के ख्याल से जाते हैं, एंटरटेनमेंट के ख्याल से जाते हैं, किसी भी फैमिली के साथ दोबारा ऐसी अप्रिय घटना ना घटे। शासन को इस मामले में सक्रिय रहना होगा, जहाँ तक होगा था संभव किसी तरह का सहयोग अगर प्रशासन को चाहिए तो हम पंचायत समिति के हैसियत से, पंचायत समिति के प्रतिनिधि के हैसियत से प्रशासन को जरूर सहयोग करेंगे और कोशिश किया जाएगा दोबारा ऐसी अप्रिय घटना। अब मेरा भतीजा बोल रहा है कि 6 की संख्या में लोग